ठेठ हरियाणा देखने वाले ने सारे ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल के राम राम। महिला भाजपा नेता सोनाली फोगाट से विवाद में फंसे हिसार मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह वीरवार को यहां हरियाणा महिला आयोग में पेश हुए। बता दें, सोनाली फोगाट ने पिछले दिनों बालसमंद मंडी में किसी बात पर हुए विवाद से नाराज होकर सुल्तान सिंह की थप्पड़ों और चप्पलों से पिटाई कर दी थी। इसके बाद राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था। इससे पहले महिला आयोग के सदस्य हिसार भी पहुंची थी और मामले में पूछताछ की थी। दूसरी ओर बुधवार को सोनाली फोगाट ने महिला आयोग मुख्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत और बयान दर्ज कराया था। उन्होंने विवाद का कारण हिसार मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह द्वारा अभद्र टिप्पणी और छेड़छाड़ करना बताया था। सोनाली ने महिला आयोग में दी शिकायत में सुल्तान सिंह के एक कथित ऑडियो टेप को मुख्य आधार बनाया है। इसके बाद महिला आयोग ने हिसार मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह को सभी दस्तावेजों के साथ वीरवार को दिन 11 बजे पेश होने का समन जारी किया था। इसके बाद वीरवार सुबह सुल्तान सिंह पंचकुला के सेक्टर 4 स्थित हरियाणा राज्य महिला आयोग के कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा। महिला आयोग के सदस्यों ने ऑडियो टेप और पूरे घटनाक्रम पर उनसे सवाल जवाब किए। बताया जाता है कि सुल्तान सिंह ने पूरे मामले पर अपना लिखित बयान भी पेश किया है। सुल्तान सिंह खुद पर लगाए गए आरोपों से साफ इनकार किया। बताया जाता है कि उन्होंने पूछताछ में कहा कि वह मामले में पूरी तरह निर्दोष हैं। उन्होंने सोनाली फोगाट और उनके समर्थकों पर बेवजह अपने साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। इससे पहले भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट ने बुधवार शाम महिला आयोग में पेश हुई। उन्होंने आयोग की प्रधान प्रतिभा सुमन, वाइस चेयरमैन प्रीति भारद्वाज सहित अन्य सदस्यों और अधिकारियों समक्ष अपना पक्ष रखा था। सोनाली फोगाट ने कहा कि सुल्तान सिंह ने महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई और उनके साथ असभ्य बर्ताव किया। वह राजनीति में है, इसी कारण उनको निशाना बनाया जा रहा है। प्रीति भारद्वाज ने बताया कि सोनाली फोगाट बुधवार को शाम सुखुद ही आयोग के समक्ष पेश हुई थी और अपनी लिखित शिकायत दी। साथ ही सोनाली फोगाट की ओर से ऑडियो क्लिप भी सुनाया गया, जिसमें सुल्तान सिंह द्वारा महिलाओं के बारे में अपशब्द कहे गए हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।